नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोलस्काई में आपका स्वागत है। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनके घर में फ्रिज है वो बचे हुए खाने को उसमें रख देते हैं और जब मन करता है तब उसे निकाल कर खा लेते हैं। खासकर शहरों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा है और या तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता या फिर वो बना नहीं पाते हैं। ऐसे में एक ही बार खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक उसे खाते रहते हैं। ऐसा करना उनके लिए सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले तो आप फ्रिज में पका हुआ खाना रखने से पहले इन बात का ध्यान रखें कि कच्ची और पकी हुई सब्जियों को एक साथ एक जगह पर ना रखें, क्योंकि इससे कच्ची सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया पके हुए खाने को दूषित कर देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पके हुए खाने को फ्रिज में रखें तो उसे अच्छी तरह दें या फिर टिफिन में बंद करके रखें। वैसे तो किसी भी तरह के खाने को ताज़ा खाना ही उत्तम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने ज्यादा चावल पका दिया है और खत्म ना होने की वजह से उसे फ्रिज में रख दिया है तो बेहतर होगा कि उसे 2 दिन के अंदर ही खत्म कर दें, क्योंकि ज्यादा समय से रखा हुआ चावल खाने से उसके पौष्टिक तत्व आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप रोटी बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे खुला ना छोड़ें, यानी किसी बर्तन से उसे ढक कर रखें। वैसे तो रोटी को 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में रखा जा सकता है और उसे समय समय पर निकाल कर गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दाल पौष्टिक से भरी होती है, अगर इसे ताजा खाया जाए तो यह शरीर को फायदा देती है। हालांकि कुछ लोग इसे बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और 2-3 दिन तक निकाल कर खाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा समय तक फ्रिज में रखी दाल गैस का कारण बन सकती है। बात करें फलों की तो फल पौष्टिक से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर आप कटे हुए फल को फ्रिज में रख देंगे तो उनके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाएंगे और वो दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कटे हुए फलों को फ्रिज में रखते हैं तो उन्हें बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दें।